हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टर्म्स को जो कई बार कन्फ्यूजन जिनमें स्टूडेंट्स को हो जाती है, तो उन्हीं कन्फ्यूजन्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो टॉपिक आज का हमारे होने वाला है गाइस, वो होने वाला है आंकलन, मूल्यांकन, मापन और परीक्षण। ये जितने भी टर्म्स हैं इनमें क्या अंतर होता है, मेजरमेंट, इवेल्युएशन, एग्जामिनेशन और हमारा असेसमेंट में क्या अंतर होता है, तो इस ये वीडियो इस बारे में होने वाली है। आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी, जरूर वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कुछ मेन पॉइंट्स के थ्रू हम जानेंगे कि क्या सब में डिफरेंस है और आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूल्यांकन आंकलन के बारे में जानते हैं कि ये आंकलन यानी कि असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सबके अर्थ की तरफ चलेंगे कि क्या सब में सबकी मीनिंग है। सबसे पहले आंकलन की अगर हम बात करें तो यह एक संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है आंकलन? संवादात्मक और रचनात्मक। सबसे पहले ये दोनों टर्म्स हम जान लेते हैं कि आंकलन संवादात्मक और रचनात्मक क्यों होती है। संवादात्मक का मतलब है कि जहां पे संवाद हो, बातचीत हो। ठीक है, रचनात्मक का मतलब है कुछ क्रिएटिव हो। तो जो हमारा आकलन होता है वो होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर स्टूडेंट के बीच में जो भी टीचर शिक्षक जो है वो क्या ज्ञात करता है, क्या निकालता है, क्या कंक्लूजन निकालता है कि बच्चे के अंदर क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या कमी आ रही है, कहाँ उसको प्रोग्रेस की जरूरत है। तो आकलन बेसिकली क्या होता है कि यह रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक यह ज्ञात करता है कि अधिगम उचित हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या ज्ञात करता है टीचर बेसिकली, कि बच्चे की लर्निंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। ये सभी पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चलता है और ये रुकता नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है। अभी आकलन देखा हमने, मूल्यांकन क्या है, ये योगात्मक है। मूल्यांकन क्या है, योगात्मक है। योगात्मक का मतलब है टोटल। ओके, आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को ज्ञात करना मूल्यांकन होता है। क्या आप इसे समझे कि जब एक पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है, एक सेशन एंड हो जाता है, तो विद्यार्थियों की कितनी शैक्षिक उपलब्धि हुई है, स्टूडेंट ने कितना अचीव किया, कितने मार्क्स आए। बेसिकली मूल्यांकन का मतलब है उनके मूल्यों का अंकन करना। ठीक है, कि कितने मार्क्स आए, क्या रैंक आई है। और जब पाठ्यक्रम की समाप्ति हो जाती है तब क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। आकलन क्या था, आकलन था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर देख रहा है कि क्या डिफिकल्टी है या उसको आकलन कर रहा है वेरियस मेथड्स के थ्रू। और मूल्यांकन क्या है, टोटल। ओके, जब पाठ्यक्रम समाप्त हुआ तो क्या बच्चे ने प्रोग्रेस किया है। उसके बाद आते हैं मापन पे। मेजरमेंट क्या होता है, देखो जब टीचर इवेल्युएशन करता है तो मेजरमेंट को यूज करता है एज अ टेक्निक। ठीक है, क्या है मापन, एक तकनीक है जहां पे आंकिक वर्णन बच्चे का किया गया। आंकिक वर्णन मतलब मान लीजिए मैथ्स का बच्चे ने टेस्ट दिया था, पेपर दिया था, या आपने क्लास में क्लास टेस्ट लिया था मैथ्स में, तो उसके आंकिक वर्णन हुआ ना, मैथ्स में जितने मार्क्स आए टीचर ने उसको कैलकुलेट किया। फाइनल जब एग्जाम में बच्चे बैठते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल एग्जाम देते हैं, वहां पे जितने बच्चों के मार्क्स आए वही क्या है हमारा मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट है जहां पे नंबर की बात आती है। ओके, तो मेजरमेंट क्या है, मूल्यांकन की ही है, क्या होती है, तकनीक होती है। उसके बाद हमारा परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन या टेस्ट क्या होता है, ये भी क्या है, आंकलन और मूल्यांकन की एक पद्धति होती है, उपकरण होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से टीचर क्या करता है, आंकलन और मूल्यांकन बच्चे का करता है। तो ये क्या है, ये ज्ञानात्मक अनुभव की जांच की जाती है इसमें बच्चे की, किसकी, कि बच्चे को नॉलेज कितनी है। एग्जामिनेशन आपने सुना होगा, बच्चा फाइनली बैठ रहा है एग्जाम में, पेन पेपर टेस्ट दे रहा है, हम लोग भी एग्जाम देते हैं फाइनली, तो हमारी क्या जांच की जाती है, ज्ञानात्मक अनुभव की, हमें कितनी किस सब्जेक्ट में क्या नॉलेज है। ओके, आगे देखते हैं। अब इसका उद्देश्य देखते हैं कि क्या उद्देश्य सबके होते हैं, सबके अलग अलग उद्देश्य है, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले है आकलन का उद्देश्य यानी असेसमेंट का उद्देश्य ये होता है कि शिक्षण अधिगम में सुधार करना। क्या करना, शिक्षण अधिगम में, बच्चा जो सीख रहा है कुछ उसकी कमियां आ रही है, उसको जो प्रॉब्लम आ रही है सीखने के दौरान पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसमें वो क्या करना, प्रोग्रेस लाना, सुधार करना। उसके बाद अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। कौन पता लगाएगा,
पता लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे टीचर क्या है, पता लगाएगा कि क्या बच्चे में कमी आ रही है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, आकलन का निदानात्मक होता है। निदानात्मक का मतलब क्या समझे, कि निदान का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम में जो कमी आ रही है उसका पता लगाना कि कमी कहाँ है, ठीक है। टीचर पढ़ा रहा है, मान लीजिए बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी किसी चीज में हो रही है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचर वहां पे क्या करेगा, पहले प्रॉब्लम को जानेगा, उसके बाद उस प्रॉब्लम को जानने के बाद क्या करेगा, वो उसको सिखाएगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, उपचारात्मक शिक्षण देगा। तो ये क्या आंकलन का उद्देश्य ही यही होता है कि निदान करना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसको कैसे ठीक करना है, सभी चीजें। उसके बाद मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य है कि छात्रों की उपलब्धि को अंकों और ग्रेड के माध्यम से पाठ्यक्रम समाप्ति पर बताना। देखो आंकलन क्या था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चल रहा है, ये तो ठीक है, ठीक है भाई, पूरे साल पढ़ाया टीचर ने, वो आंकलन हो गया, आंकलन किया। उसके बाद मूल्यांकन क्या है, जब आपका पूरा पाठ्यक्रम खत्म हो गया, करिकुलम खत्म हो गया, तो वहां पे बच्चे के मार्क्स कितने आए, ठीक है, मार्क्स और उसके ग्रेड, ठीक है, उसका जो रिजल्ट होता है ना वो आता है आपका मूल्यांकन। मतलब कि मार्क्स मान लीजिए 70 मार्क्स आए, ए ग्रेड आया, और फिर रिजल्ट कितना, उसका रिजल्ट आया। तो मूल्यांकन क्या है कि पाठ्यक्रम खत्म हो गया, अब आपने उसको अंक और ग्रेड के माध्यम से बता दिया, तो इसका उद्देश्य है कि ग्रेड और अंक के माध्यम से जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी की या विद्यार्थी की जो है मूल्य का अंकन करता है। मूल्य का अंकन मतलब कितने मार्क्स आए, कितना उसका डिविजन आया, क्या आया, सभी। उसके बाद मापन पे चलते हैं। मापन का मेन उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य होता है कि भाई ये एक टेक्निक के रूप में इसको यूज करते हैं। अब टीचर को मूल्यांकन करना है, रिजल्ट बताना है, उसको मार्क्स बताने हैं, तो किसमें बताएगा, मेजरमेंट करेगा ना, उसके जितने एग्जाम में नंबर आए टीचर को बताएगा कि हाँ इसके 70-80 है, 50 है, 60 है। और आंकलन में क्या करता है, आंकलन में भी मापन ही करेगा, है ना। आंकलन मान लीजिए FAs होते हैं स्कूल्स में, FA होते हैं आंकलन, और उसका SA होता है, तो ये किसमें होता है, मान लीजिए उसके 40 मार्क्स आए, 50 आए, 60 आए, जो भी आपका मार्क्स बेसिस होता है, ग्रेड होता है, वो आपका मेजरमेंट का पार्ट होता है, ओके। उसके बाद परीक्षा यानी एग्जामिनेशन का क्या एक जो है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो एग्जामिनेशन का होता है वो होता है छात्रों के ज्ञान कौशल क्षमता की जांच। उसके किसकी जांच करना, ज्ञान की, कितनी नॉलेज है, कौशल की जांच करना, क्या उसके अंदर स्किल है। मान लीजिए एक बच्चा है, उसने एग्जाम दिया, मान लीजिए फाइनल एग्जाम हुआ, और वहाँ पे बच्चे ने जो है मान लीजिए कोई एग्जाम दिया, हिंदी का मान लीजिए एग्जाम दिया उसने, फॉर एग्जाम्पल हिंदी का उसने पेपर दिया। अब हम उसका क्या देखेंगे, नॉलेज, कि उसको कितनी नॉलेज है, उसको क्या लिखने आ रहा है, उसको लेटर लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कौशल की जांच हुई, कौशल कैसे जांच करेंगे भाई, उसकी राइटिंग कैसी है, है ना, उसकी उसके लेखन कैसा है, तो कौशल की जांच हो रही है, क्षमता और रुचि की जांच भी होती है। उसके बाद अगले पे चलते हैं, अब चलते हैं अवधि की तरफ, कि इन सब की क्या कितनी कितनी अवधि होती है, ठीक है। सबसे पहले हम आंकलन की अवधि देखो, आंकलन जो है उसकी कोई अवधि नहीं है, वो निरंतर चल रही है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूसली चलती जाती है पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जब तक पूरा साल चल रहा है, पूरा सेशन चल रहा है, ये प्रक्रिया आकलन की चलती है। टीचर कारणों को पता करता है, टीचर बच्चे को सुधार करता है, पीटीएम लेगा, प्रोग्रेस देखेगा भाई कितना उसका आया प्रोग्रेस, तो ये निरंतर है। मूल्यांकन कैसी है, पाठ्यक्रम की समाप्ति पे होती है, भाई करिकुलम खत्म हुआ, अब जो है फाइनल टीचर ने क्या बताया, रिजल्ट बता दिया, तो मूल्यांकन टीचर कब करता है, जब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाए। उसके बाद मापन देखो, मापन कभी कभी या कभी चलने वाली प्रक्रिया, देखो ये व्यक्तिगत है, मतलब ऐसा नहीं है मापन का कोई एक ऐसा है कि आप मापन ही करते रहोगे, कभी भी कर सकते हो और कभी कभी भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे मैंने हिंदी पढ़ाएगी, मैंने इंग्लिश पढ़ाया, तो हो सकता है मैं टेस्ट ले लूँ, तो वो मापन कर लूँ मैं, है ना। हो सकता है मैंने टेस्ट ले लिया, मेरा मन किया मैंने टेस्ट ले लिया, अगर मेरा मन नहीं है मेजरमेंट करने का, मार्क्स देने का, तो मान लीजिए मैंने उनको ग्रुप डिस्कशन दे दिया, मैंने उनको प्रोजेक्ट दे दिया। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप हमेशा करोगे, कभी कभी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन क्या होता है, देखो ये निश्चित समय अंतराल पर अपनाया जाने वाला उपकरण है। यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो समय होता है वो निश्चित है, मतलब मासिक साल के एंड में कर सकते हो, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, ईयरली जैसे एग्जाम्स होते हैं, तो वो क्या है, निश्चित है भाई, SA1 SA2, भाई SA1 अब आया, SA2 बाद में आएगा, तो ये क्या है, निश्चित है कि एक पर्टिकुलर टाइम है कि आपको हाँ यहाँ पे एग्जाम देना है। जैसे मान लीजिए CTET है, वो साल में दो बार हो रहा है, या तो वहाँ उसका क्या है, एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन का। तो ऐसे ही परीक्षण का क्या होता है, उसका एक निश्चित समय काल होता है। उसके बाद लास्ट हमारा जो है वो आता है शिक्षण शास्त्र बिंदु।
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या चीजें हैं। पहला, शिक्षण शास्त्र का एक हिस्सा है हमारा आकलन, जो पढ़ाने के साथ साथ चल रहा है। टीचर पढ़ा रहा है, उसकी कमियों को ढूंढ रहा है पूरे साल भर। बच्चे में क्या, मान लीजिए बच्चे का ग्राफ क्या आया, बच्चे की प्रोग्रेस यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पहुंची, तो ये क्या है, टीचर क्या करेगा, टीचर पता करेगा, उनके डिफिकल्टी को दूर करेगा, प्रॉब्लम को हटाएगा और फिर जो है उनको उसको प्रोग्रेस करेगा। मूल्यांकन का क्या है कि ये पढ़ने पढ़ाने के अंत में किया जाता है, ठीक है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया अंत में करेंगे। और वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब फर्स्ट आया, सेकंड आया, कितने मार्क्स आए, 80 आए, 100 मार्क्स आए, मतलब वर्गीकरण कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक आई। तो मूल्यांकन तब करते हैं जब हम वर्गीकरण कर रहे हैं। मापन क्या है, यह मानसिक क्षमता, ज्ञान और कौशल के लिए किया जाता है कि भाई मानसिक क्षमता कितनी है। मान लो मैथ्स का टेस्ट लिया मैंने, मैं वहां देखूंगी बच्चे की मानसिक क्षमता कितनी है, बच्चा कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, बच्चे का मतलब ये संख्यात्मक होता है, आप मतलब मार्क्स है, 5 मार्क्स आए, 10 मार्क्स आए, किसके, किसी के 100 आए, किसी के 60 आए, तो वो क्या है कि कौशल को जान रहे, ज्ञान को जान रहे, कितनी उसके अंदर नॉलेज है, ठीक है। जब आप मेजरमेंट करते हो, मापन करोगे किसी चीज का, तो आप क्या जानोगे, वही जानोगे ना उसकी नॉलेज क्या है। फिर परीक्षा, देखिए परीक्षा क्या होता है कि शिक्षण शास्त्र में यह स्मृति आधारित ज्ञान के लिए होता है, स्मृति आधारित होता है, मतलब मान लो आप फाइनल टर्म में बैठे हो एग्जाम में, एग्जाम देने, तो वहां पे आपका क्या चेक हो रहा है, मेमोरी चेक हो रही है ना। आप एग्जाम में बैठे हो तो वहां पे टीचर आपको ये थोड़ा कहेगा कि प्रॉब्लम को सुधारेगा या बैठ के आपको बताएगा बैठ के कुछ, या आपकी कमियों को देखेगा, नहीं ना, फाइनल है वहां पे आपकी जो आपको मेमोरी है, जो आपको नॉलेज है, वो चेक होता है, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कि आपने लर्न किया, तो वो आपकी स्मृति है, आपकी मेमोरी पे आधारित होता है। और परीक्षण भी क्या है, एक टूल है मूल्यांकन करने की और आकलन करने की तकनीक है, जो हम बच्चे के कौशल को मापने के लिए, ज्ञान को मापने के लिए करते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।